हरदोई के मंझीला थाना इलाके के पांडेताड़ा गांव में पुत्री के प्रेम सवन से नाराज पिता ने अपनी बेटी का गरासे से सर काट लिया और हाथ में सर लेकर पैदल थाने जाने लगा। रास्ते में मिले पुलिस कर्मियों ने उसको हिरासत में ले लिया। घटना से इलाके में दहशत फैल गई। एसपी अनुराग वत्त से एसपी कपिल देव सिंह और राकेश वशिष्ठ फील्ड यूनिट के साथ मौके पर पहुंचे। सनसनीखेज वारदात मंझीला थाना इलाके के पांडेताड़ा गांव की है। यहां उस समय हड़कंप मच गया जब गांव निवासी एक सिरफिरे पिता सर्वेश ने धारदार हथियार से अपनी 17 वर्षीय बेटी की गर्दन धड़ से अलग कर दी। इसके बाद बेटी का खून से लथपथ सर हाथ में पकड़कर वह पैदल ही थाने की तरफ चल दिया। इस घटना को जिसने देखा वह सन रह गया। इस लोमहर्षक घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। इसी बीच रास्ते से निकल रहे सिपाहियों की अचानक नजर पड़ गई तो वह भी हैरत में पड़ गए। पुलिस कर्मी उसे थाने लाए जहां उसने सारी बात पुलिस को बताई। बताया जाता है कि बेटी को प्रेम प्रसंग में आपत्तिजनक स्थिति में देखने के बाद आपा खोए पिता ने बेटी का सर कलम कर हत्या कर दी। सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक अनुराग वत्स भी मौके पर पहुंचे। एसपी ने बताया कि मामले में कार्यवाही की जा रही है। हरदोई से अमन लेखनी संवाददाता देवेंद्र सिंह। देखिए, थाना मंझीला थाना क्षेत्र का मामला है जिसमें कि गांव पांडेताड़ा पड़ता है। इसमें एक पिता ने अपनी पुत्री की हत्या की है जिसके मौके मुआयने के लिए हम लोग फील्ड यूनिट के साथ यहाँ मौके पर पहुंचे हैं और जो इसमें जो अभियुक्त पिता है उसको पुलिस द्वारा हिरासत में ले लिया गया है। उससे पूछताछ जारी है और आगे इस घटना में विधिक कार्रवाई